ये जो रूट्स है, सो रूट्स में ये जो इस तरह से बन जाते हैं गोला अंडा जैसे, वहाँ में जो दिख रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो पे भाई वापस आ चुका है। सो गाइस, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि बारिश लगातार बारिश पे बारिश हो रखा था हम लोगों का यहाँ पे। पूरा हम लोगों का गांव वाला जितना है सभी को बारिश परेशान कर रखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों का यहाँ पे वेदर खुल चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी का बात है हम लोगों का यहाँ के लिए, क्योंकि अभी बारिश में बहुत ज़्यादा काम अटक के बैठ जाता है। तो अभी सभी गाँव वालों का काम भी खुल चुका होगा आई थिंक। सो जैसे कि मेरा काम भी खुल चुका है। हाँ गाइस, वैसे आज का वीडियो हम लोगों का क्या रहने लगा है, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। सो देखते हैं हम लोगों का यहाँ पे जंगलों में क्या क्या चीज़ें हम लोगों का यहाँ पे होता है जंगलों पे, वो आगे वीडियो पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो चलिए सीधा मिलते हैं सफर पे। सो गाइस, काफ़ी दिन बाद सन निकलने का वजह से बस्ती पे क्या होता है, ये जो ईगल होता है, बांस, चील वगैरह, वो भी अपना शिकार को तलाश करने को निकलता है। जैसे कि फिलहाल वहाँ पे एक दो सुखा जुआ में काफ़ी सारा ईगल वहाँ में शिकार तलाश कर रहे हैं। वो लोग जैसे कि प्रेडेटर होते हैं, वो लोग मांस खाते हैं। काफ़ी दूर में गए, वैसे आई थिंक नहीं भी दिखाई दे सकते। वो जंगल से होके वो लोग बस्ती का और भी उठेगा, वहाँ पे वैसे बस्ती काफ़ी ऊपर पे है। सो वो लोग अभी धीरे धीरे करके वहाँ से उठेगा, क्योंकि बस्ती में क्या मिलता है, चिकन का बच्चा मिलता है, मुर्गी का बच्चा, जो कि ये लोगों का शिकार के लिए बहुत इजी होते हैं। चिड़िया वगैरह चालाक होते हैं, यूजुअली ये लोग हम लोगों का गांव पे आके मुर्गी का बच्चा को ही ले जाते हैं। फटाफट ब्रदर को कॉल करना पड़ेगा। और गाइस, वहाँ पे अंडा जैसे वहाँ में जो दिख रहे, तो ये मशरूम है बट तरीका टूट गया, इतना सारा कीड़ा। इस टाइप का एक और मिलता है हम लोगों का यहाँ पे, जिसका हम लोग उंडंग बोलते हैं, जो कि ज़मीन पे पाया जाता है, जो कि स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसका। तो वो वाला है बोल के हम दूर से देख रहा था, बट सामने से पता चला कि जहरीला है ये वाला। और वहाँ पे बड़ा दिक्कत वाला एक चीज़ दिखाई दी, काफ़ी दिनों से बारिश गिरने का वजह से पेड़ को पूरी तरीके से तोड़ दिया ऑलमोस्ट। बाप रे, यहाँ से उखाड़ दिया इसको। सो वहाँ पे गिरा दिया। और हाँ, यहाँ पे है पोपे, इसको हम लोगों का यहाँ पे लोकल लोग पोपे बोलते हैं। बचपन में यह हम लोगों का खिलौना का तौर पे बहुत इसको हम लोग खेला करता था यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और गाइस, यहाँ पे है मैंगो फ्रूट्स, आई मीन मैंगो फ्रूट्स ने इसको हम जो मैंगो फ्रूट्स का नाम दिया अपना से लोकली, क्योंकि इसका शेप जो मैंगो का जैसे है, पेड़ जो ऊपर पे है, सो ये पकने से पीला रंग का बन जाता है। मेरा लास्ट वीडियो में भी देखा था वह। हवा तेज मारने का वजह से इधर उधर पूरा गिर के बैठा गया। इसको जंगली पशु लोग खाया जाता है और इंसान लोग भी खा सकता है। हाँ, वैसे अभी हमको बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिख गया हम लोगों का यहाँ का। सो ये जो दिख रहा है, ये जो कि किस काम आता है बोलने से, ये जो मेरा एक पुराना वीडियो में भी कोई कोई देख रखा होगा और कोई कोई नहीं भी देख सकता है। सो
इसका बारे में यही है कि ये हम लोगों का यहाँ का लोकल मुर्गियाँ कभी कभी बीमार निकालते हैं समय पे, जो कि जैसा इंसान लोगों को चिकन पॉक्स होता है, मुर्गियों का आई थिंक वो चिकन पॉक्स होगा लेकिन अलग प्रकार का होता है। सो उसको क्योर करने के लिए पुराना ज़माना में इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत किया करता था, और वैसे गाँव पे यहाँ पे अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है बोलने से, कटोरी का शेप में इसको काट देगा यहाँ से, इसके बाद अंदर का जो गूदा है गूदा को निकालने के बाद उसमें इसको ज़मीन पे गाड़ देगा। ज़मीन पे गाड़ने के बाद इसमें पानी भरा दिया जाता है, वो पानी को थोड़ा दिन रखने के बाद जो रोग वाला मुर्गी होता है उसको पीने का बाद उसका रोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। समय लगता है लेकिन ठीक हो जाता है। और हाँ गाइस, वैसे इसको हम लोगों का यहाँ पे लोकल लोग अपोम तुम्प का नाम से जाना जाता है, पता नहीं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। वैसे ये क्या चीज़ें बोलने से, ये पेड़ का रूट है जो कि फल जैसा दिख सकते हैं। ये जो रूट है सो रूट में ये जो इस तरह से बन जाते हैं गोला, इसका पर्टिकुलर पेड़ होता नहीं है मेरा ख्याल से, इसका ज़मीन पे ये जो रेंगता है काफ़ी समय लगते हैं वैसे इस चीज़ को बनने के लिए, और ये भी कॉमनली नहीं मिलते हैं, दूर दूर जंगलों पे जाने से ये चीज़ को भी मिल जाते हैं। इसको यहाँ पे रहने देता है, आगे को बढ़ते हैं। जैसे गोट का कृपा से मेरा जो चिकेंस है वो लोग सही सलामत है, आगे भी सही सलामत ही रहो बोल के प्रार्थना करते हैं हम। जो इनकेस फ्यूचर में कभी हो जाता है बीमार बोलने से तब को इसको ज़रूर लेने आएगा। तो गाइस अभी चलते चलते हमको काफ़ी पानी प्यास लग गया, आज पानी बोतल हम एक्चुअली कैरी करने भूल गया, तो सोचा था कि हम बैग में डालें, अक्सर हम पानी बोतल कैरी करते हैं, हम आज को अचानक से भूल गया। आगे में वैसे एक पानी अंडरग्राउंड वाटर का स्रोत था, वहाँ पे प्यास बुझा लिया जाएगा। इसका अंदर से जाना होगा, लिटरली पूरा बहुत ज़्यादा स्केरी टाइप का जंगल। तो अभी अंडरग्राउंड वाटर का सामने में पहुंच चुका है झाड़ियों के अंदर में, सो ऊपर पे लेकिन मेन जहाँ से पानी पिया जाएगा हम लोग, सो ये नीचे का इलाका है। वैसे काफ़ी समय से जंगल पे कोई नहीं जाने का वजह से जंगल पूरा घना हो चुका है। डायरेक्ट पानी निकलता है वो जगह पहुंच चुका है, इसका नीचे से हम लोग आया गया है जो कि बहुत ज़्यादा घना था जंगल। लिटरली डर डर के आ रहा था, बहुत ज़्यादा घना है ना, घना जंगल में थोड़ा रिस्की होते हैं। एनीवेज चलो पानी पीते हैं, अभी सुकून मिल रहा है अभी ये पानी को टच करके। तो वो साइड में ये पानी था, बट अलग अलग पानी का कनेक्शन वहाँ पे जाता है वो पानी में, दस पीने लायक नहीं है। सो ये एकदम डायरेक्टली अंदर से निकल रहा है पानी। हाँ गाइस, ये जो बड़ा सा पेड़ देख रहा है इसका ऊपर पे है जंगली लीची, हम लोगों का यहाँ पे पाया जाता है जिसको हम लोग लोकली तादर का नाम से जाना जाता है। वैसे पेड़ पे फल, ये वाला पेड़ में गाइस फल इतना नहीं दिया है, बाकी यहाँ पे कोई कोई पेड़ में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा सीजन में अच्छा लगता है खाने के लिए। तो वैसे ऊपर में भी एक दो फल दिखाई दे रहे हैं हमको काफ़ी ऊपर पे, ये ब्लैक वाला इसका पेड़ जो काफ़ी दूर दूर पे वहाँ पे एक है, और वहाँ इसका अंदर में भी एक दो है। और हाँ वैसे अभी गाइस यहाँ पे ये वाला है, वैसे ये अभी पका नहीं है, ये बिल्कुल हरा रंग का है, ये पकने के बाद रेड किस्म का बन जाता है बाहर से, और इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, वाइल्ड लीची बोलता होगा इसका शायद।
हाँ गाइस ये पिछला साल का होगा। सो दोनों में देख सकते हैं कितना ज़रा डिफरेंस है, ये हरा है और ये पुराना हो चुका है, पिछला साल का होगा ये। इसे हवा से गिरा होगा ये वाला, जो ये पका वाला भी ऊपर में है लग रहा है, लेकिन एक दो काफ़ी ऊपर पे पेड़ में तो चढ़ने के लिए तो इतना ऊँचाई पेड़ वहाँ पे तो नहीं चढ़ पाएगा। इटिस से उसको गिराने का ट्राई करेगा। तो गाइस अभी अभी एक तो गिराया गया नीचे पे, काफ़ी लकी है नहीं गिरेगा, बल्कि सोचा था बस गिर गए वहाँ पे, देखो रेड रेड करके। और ये रहा पत्थर यहाँ पे लगाए तो ऊपर पे लगने से एकदम बढ़िया से आना था। देख सकते हैं कितना ज़रा रसीला और अच्छा दिख रहे हैं, देखते हैं मुँह में पानी आ रहा है मेरा मिलेगा। देख सकते हैं ये जो कच्चा वाला इस तरह का होता है ये, और पका वाला इस टाइप का, और ये ठीक से अभी तक पका नहीं है। ये जब पकता है प्योर रेड कलर का बन जाता है, और अंदर का भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, छीलने के लिए भी इजी से छिल जाता है। और इसको हालांकि अभी शायद खट्टा होगा मेरा ख्याल से, हाँ जब पकता है उसमें भी खट्टा ही होता है टेस्ट, बट पकने से लेकिन खट्टा होने से भी उसका अलग होता है टेस्ट, ज़्यादा अच्छा होता है। ये कच्चा है स्टिल, इसका तो बहुत ज़्यादा खट्टा होगा इसका तो। सो गाइस इसको इस तरह से खोला जाता है, ओ लुक एट दैट गाइस, ये रहा ये है असली अंदर का इसका रसीला फल। देखने में तो एकदम बढ़िया दिख रहे है, और पता नहीं कैसा होगा। और गाइस ये रहा इसका बीज, बड़ा है इसका बीज जो, तो इसका व्हाइट व्हाइट का बाहर का पोर्शन को खाया जाता है, और भी होने से दिखता है बस पेड़ पे काफी ऊंचा ऊंचा पे, और मेरा लास्ट एक पत्थर बचा था उससे गिराया गया, नहीं गिरेगा बोल के सोचा था बट लकीली गिर गया। और हाँ गाइस वैसे इसका भी सीजन में आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा वीडियो, सो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लेना है जो जो सब्सक्राइब नहीं किया। इसमें तो हालांकि अभी सीजन नहीं है, बट अभी सीजन आने ही वाला है जहाँ पे लीची बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है वहाँ पे जाएगा, इसके बाद तोड़ेगा। यहाँ पे एक लकड़ी है सूखा वाला जिसको अभी हम घर लेके जाएगा, वैसे अभी घर ज़्यादा दूर नहीं है, पसीना देख सकते पूरा का पूरा समर वाइब्स बहुत ज़रा गर्म लग रहा है। यहाँ पे सामने में अभी तो पानी भी नहीं है, अभी सीधा घर पे पानी भी मिलेगा, तो गाइस अभी सीधा घर पे जाके मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुँच चुका है, अभी सुबह ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया था, हल्का फुल्का सुबह का ब्रेकफास्ट, सो अभी बहुत भूख भी लग चुका है और पानी भी प्यास लग गया और मुँह भी पूरा सूख गया। सो अभी आकीडो का रिएक्शन देखते हैं, हमको देखने का क्या हुआ उसका हालत। यहाँ पे है आकीडो और वहाँ पे ब्रदर। सो वैसे गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही था, अभी हम भी नहा धो लेगा इसके बाद खाना वाना खा लेगा और आने वाला वीडियो के लिए तैयार हो जाना है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सभी को, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।